प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसानों के हित की बात लेकर, किसान की बात लेकर, खेत खलिहानों की बात लेकर किसान की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आज हाजिर हैं आपके साथ आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार। हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार। जी निरंकार, आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और हमारी आज की बातचीत का विषय रहेगा रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राज सिंह जी जो प्रधान वैज्ञानिक हैं संशय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, लेकिन अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस विषय के संबंध में कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उनके सवालों का जवाब देंगे। हमारा टेलीफोन नंबर है 0112342108 यानी 2342-1083। तो इस नंबर पर आप अपनी बात रख सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर राज सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आज हमारा विषय है कि रबी फसलों में खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें, जी, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि खरपतवार के बारे में आप बताएं कि क्या है। जी, जो किसान भाई अपने खेत में फसल बोते हैं उनका बीज बोते हैं, जो फसलें उनको उगानी होती है, जैसे अभी रबी सीजन चल रहा है तो इसमें अनाज वाली फसलों में किसान भाइयों ने गेहूं, जौ, ये फसलें उगाई होंगी। दलहन फसलों में चना, मसूर, मटर, ये फसलें उगाई होंगी। और तिलहन फसलों में सरसों, ये मुख्य रूप से ये इन फसलों का अभी किसान भाई जो है खेती कर रहे होंगे। लेकिन हम इन फसलों का बीज बोते हैं और इनके अलावा हमारे खेत में जो दूसरे पौधे उगाते हैं, यानी कि जिनको हम नहीं चाहते, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, अवांछित पौधे, अवांछित पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उस समय, तो जो ऐसे पौधे जो बिना बोए जिनकी जरूरत नहीं है वो खेत में उगते हैं, वो सभी खरपतवार होते हैं। अच्छा, ये खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? जी, जो खरपतवार हैं मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम पत्ती के आकार पर देखें, एक खरपतवार वे होते हैं जिनकी पत्ती नुकीली होती है, जैसे किसान भाइयों ने देखा होगा जंगली जई। अभी गेहूं के खेत में अगर देखेंगे तो उसमें जंगली जई या फ्लेरिस माइनर या दूब, ये खरपतवार अगर दिखाई दें, ये नुकीली पत्ती वाले होते हैं, तो ये खरपतवार हैं नुकीली पत्ती वाले। दूसरे खरपतवार होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, जिनकी पत्ती जो है उसकी चौड़ाई अधिक होती है, जिसमें मुख्य रूप से अभी जो रबी फसलों के साथ खेत में जो खड़े हुए होंगे, जिनमें बथवा, खरतवा, कर्सनील इत्यादि, ये जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं इनको चौड़ी पत्ती वाले कहते हैं। और जो तीसरे जो प्रकार के खरपतवार होते हैं वो होते हैं सेजिज, यानी के इस सीजन में हालांकि ये खरपतवार कम होते हैं, जैसे मोथा। मोथा उसकी जो पत्ती है नुकली होती है, लेकिन वो ट्रायंगल मतलब त्रिकोणीय टाइप की होती है, तो ये सेजिज होते हैं। और इनका जो पौधा नया बनता है वो ट्यूबर यानी के गांठ के द्वारा बनता है और बीज के द्वारा भी बनता है, लेकिन इनकी विशेषता ये होती है अगर किसान भाई इसको ऊपर से काट दे और वो ट्यूबर जो गांठ है वो जमीन में रह जाए तो फिर दोबारा पुनः पौधा बन जाता है। इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए इनकी गांठें जो हैं उनको नष्ट करना आवश्यक होता है। और
ये जो खरपतवार इनके जो प्रकार हैं, जब हम नियंत्रण करते हैं और खरपतवार नाशियों को प्रयोग करते हैं, तो खरपतवार नाशियों को प्रयोग करते समय खरपतवारों के प्रकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए किसानों को इनका जानना जी इसलिए किसान भाइयों को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुख्य फसल है उससे किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं? जी, जैसा हमारे देश में ICAR ने सन 2018 में एक सर्वे किया था, लगभग जो मुख्य फसलें हैं देश में खरपतवारों द्वारा लगभग $11 बिलियन का नुकसान होता है। जो खरपतवार भूमि से पोषक तत्व लेते हैं, पानी लेते हैं और प्रतिस्पर्धा कर जो फसल की उपज को कम करते हैं, और इसके साथ साथ जो किसान की लागत लगती है, क्योंकि अगर औसतन देखा जाए तो खरपतवार नियंत्रण पर किसान की कुल लागत का लगभग 1/4 भाग इनको नियंत्रित करने में लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बुआई के बाद किसानों का जो मुख्य काम रह जाता है, या तो सिंचाई देना या खरपतवार नियंत्रण करना, तो खरपतवार नियंत्रण करने पे काफी खर्च होता है। इसके साथ साथ खर्च होने के अलावा ये फसल के उत्पाद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फसल अगर इनके बीज फसल उत्पाद में मिल जाए तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, बाजार में उसकी कीमत कम मिलती है, और उसके साथ साथ कुछ खरपतवार ऐसे हैं जैसे सत्यानाशी आर्जीमोन मैक्सिकाना, क्योंकि ये सरसों के खेत में ज्यादा उगते हैं, उसी तरह का बीज होता है, उसी तरह का बीज होता है, और अगर वो तेल मिक्स निकालते समय वो उसमें मिक्स हो जाए उसका तेल, तो ये मनुष्य के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके खाने से ड्रॉप्सी बीमारी हो जाती है जिससे किडनी खराब होती है और इससे काफी नुकसान हो जाता है। तो काफी खरपतवार ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए और जमीन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें? जी देखिए, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए एक कहावत है, प्रीकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी के अगर हम जरूरी है सावधानी बरते वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमको ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे खेत में खरपतवार कम से कम हो। फसल की बुआई से पहले खेत की तैयारी करें अच्छी प्रकार से, उसमें जो गोबर की खाद डालें वो गोबर की खाद अच्छी प्रकार से सड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गोबर की खाद बनाते हैं तो पशुओं को जो खरपतवार के रूप में जो घास खिलाते हैं उसमें बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जिनमें बीज होते हैं, और वो बीज सहित हम गोबर के साथ मिला देते हैं, और जब वो अच्छी प्रकार से सड़ा नहीं होता और उसको खेत में डालते हैं तो वो बीज जो फिर खेत में उगाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी गोबर की खाद किसान भाई डाले उसको अच्छी प्रकार से गड्ढे में कंपोस्टिंग करके सड़ा के उसको तभी डाले, जिससे कि जो उसमें बीज उपलब्ध हैं जो हो उनकी जो अंकुरण क्षमता वो ना रहे। तीसरी जो खास बात है, जो हम बीज प्रयोग करते हैं बीज साफ होना चाहिए, जहां तक अगर कोशिश करें कि प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें, क्योंकि जो हम लोकल बीज प्रयोग करते हैं काफी बीज ऐसे होते हैं जिनमें खरपतवारों के बीज मिले होते हैं, और इस बीज के द्वारा ही जब हम ऐसे बीज को खेत में बोते हैं तो उसमें खरपतवार उगाते हैं। खास बात एक ये भी है कि खेत में बाहर का पानी ना आने दें, क्योंकि जो वर्षा का पानी जो बहकर खेत में आता है, हम अपने खेत को तो साफ रख रहे हैं लेकिन जो बराबर वाला एरिया है उसमें जो खरपतवार के पौधे हैं उनमें जो बीज बनते हैं, वो बीज जो उस भूमि पर पड़ते हैं तो वो बीज पानी के साथ बह के खेत में आ जाते हैं। इसके अलावा जो सिंचाई देने के लिए जो नालियां बनाते हैं वो नालियां साफ रहनी चाहिए, क्योंकि उन नालियों के किनारे काफी खरपतवार के ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज बन जाते हैं, और जब वो बीज गिरते हैं नाली में तो सिंचाई के पानी के साथ खेत में आ जाते हैं। काफी ऐसे यंत्र हैं जिनको हम विभिन्न ऑपरेशन के लिए, विभिन्न कामों के लिए खेत में प्रयोग करते हैं, चाहे जुताई के लिए प्रयोग करें,
या फसल की निराई के लिए प्रयोग करें या कटाई के लिए प्रयोग करें, अगर उनको हम ठीक से साफ ना करें तो उनमें काफी बीज लगे रह जाते हैं खरपतवारों के, और जब इनको हम दूसरे खेत में प्रयोग करेंगे तो ऐसे भी खरपतवारों के बीज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। एक जो पशु चराने वाली बात है, क्योंकि जब पशु एक खेत में चरते हैं तो काफी खरपतवार ऐसे हैं उनके बीज पशुओं के शरीर पर लग जाते हैं और ये उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाइयों के जो खेत होते हैं उनके जो बराबर के खेत हैं उनमें भी खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहां बीज बने और ये बीज जब तेज हवा चलती है तो इस हवा के साथ ये बीज उड़कर अब दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से काफी सावधानियां ऐसी हैं, अगर किसान भाई इनको बरते तो खेत में खरपतवार होने ना देने के लिए काफी हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो सावधानियां हैं, अगर खरपतवार आ गए हैं उनका नियंत्रण कैसे करें? जी देखिए, तीन चीज होती हैं, एक खरपतवार नियंत्रण, एक खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार नियंत्रण में तो है कि जो समस्या आ गई उसको कैसे नियंत्रित करें। खरपतवार प्रबंधन में यह है कि हम जब से फसल की बुआई करें तब से उसकी प्लानिंग बनाएं, खेत की जुताई करके अच्छी तरीके से मिट्टी को ठीक से तैयार करके और अच्छा बीज प्रयोग करके, और फिर फसल बोते समय जो उचित विधि है, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी रबी की फसलें हैं, रबी में किसान भाइयों ने विभिन्न फसलें बोई हुई हैं। अगर किसान भाई गेहूं की फसल बो रहे हैं तो गेहूं की फसल की बुआई के समय अगर कुछ खरपतवार नाशी जैसे आइसोप्रोट्रान, आइसोप्रोट्रान की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के 2 दिन बाद तक एज ए मतलब फसल उगने से पहले, या पेंडीमिथिलीन लगभग 3 से 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर, ये लगभग 400 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से गेहूं की फसल जिसमें बोई है 2 दिन तक, बुआई के 2 दिन तक उसका छिड़काव कर दें, तो जो फसल के साथ उगने वाले विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं, चाहे वो नुकीली पत्ती वाले हैं या चौड़ी पत्ती वाले हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसके बाद अगर गेहूं की फसल में खरपतवार बाद में आते हैं, क्योंकि खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया कि बीज हवा में उड़ के आ जाते हैं, पानी में बह के चले जाते हैं, तो जब फसल 25-30 दिन की हो जाए तो गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए काफी खरपतवार नाशी हैं, जैसे एक खरपतवार नाशी है सल्फा सल्फुरोन और मेट सल्फुरोन, इन दोनों को मिला के सल्फा सल्फुरोन की लगभग 33 ग्राम यानी कि 33 ग्राम मात्रा और मेट सल्फुरोन की लगभग 20 ग्राम मात्रा जो बाजार में उपलब्ध है, इनको दोनों को मिला के लगभग 400 लीटर पानी में घोल बना के जब फसल 25-30 दिन की हो तब समान रूप से छिड़काव कर दें, तो खेत में जो नुकीली पत्ती वाले छोटी पत्ती वाले, क्योंकि जो सल्फा सल्फुरोन है वो नुकीली पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करेगा, मैट सल्फुरोन छोटी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करेगा, इसलिए ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि खेत में दोनों प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। जी, रबी की फसलों में खरपतवार प्रबंधन, इस विषय पर आज हमारे कार्यक्रम किसान की बात में हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब से बातचीत तो और भी चलती रहेगी निरंकार, लेकिन यहां पर कार्यक्रम में एक लेते हैं छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन, लेकिन इसके साथ साथ निरंकार जैसे कि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं कृषि से जुड़े हुए, तो उनकी जानकारियां भी हम अपने कार्यक्रम के दौरान देते हैं और एक ऐसा ही कार्यक्रम एग्री ड्रोन वर्कशॉप जो है आज हुआ है तो उसके विषय में भी कुछ जानकारी ले। ये CPRI जो मेरठ में है वहां पर ये आयोजित किया गया है, तो इस विषय पर जानकारी ले रहे हैं, वहां के निदेशक से बात करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह निदेशक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि आज हमारी ये जो वर्कशॉप हुई है एग्री ड्रोन वर्कशॉप, तो इसके विषय में कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एग्री ड्रोन की एक परियोजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जी। उसके द्वारा जो विभिन्न संस्थान हैं उनको ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो अपनी अपनी क्रॉप्स में उस ड्रोन के उपयोगिता को देख सकें और जो भी हम केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का जो है छिड़काव करते हैं क्रॉप पे उसके जो है बारे में अपने प्रोटोकॉल्स को डेवलप कर सके। तो इस पे हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जब फसल लगी होती है किसी भी खेत में तो नॉर्मली स्प्रे करने के लिए व्यक्ति को उसमें घुसना पड़ता है जी। और स्प्रे के दौरान बहुत सारा केमिकल उसके अपने शरीर में भी लगता है, अंदर सांस के द्वारा अंदर भी जाता है, तो उससे जो एक मन की हेल्थ को लॉस है वो तो है ही है। उसके अलावा हम कई बार जो है एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधे पे भी जो है जब उसके अंदर मैन्युअली काम करते हैं तो जो है वो फैलाते रहते हैं। और कई बार ऐसी खेत की स्थिति होती है कि पानी भरा हुआ है या पानी लगाने के तुरंत बाद हम जो है खेत में घुस नहीं सकते, तो इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए मैन पावर को बचाते हुए ये एग्री ड्रोन्स को जो है मिनिस्ट्री ने अलाउ किया हुआ है कि हम अपने जो भी कृषि के क्षेत्र हैं उनमें उसका उपयोग कर सके। और आलू में हमने जो है बहुत सारे हमारे फंजीसाइड और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो होता है उसके हम प्रोटोकॉल्स डेवलप कर रहे हैं जी। उनके SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि कौन सी दवाई को कितने लीटर पानी में हम डाल के और जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको खेत में जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस पे कार्य चल रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा जैसे नैनो यूरिया, नैनो DOP, इस तरह के खाद अभी आ रही हैं जिनको हमने छिड़काव करना है ना कि जो है जमीन में डालना है। ये ड्रोन के माध्यम से सब किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से इनकी टेस्टिंग चल रही है कि कितने केमिकल को हम जो है कम से कम पानी में मिला के डाल सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था क्योंकि हम पानी का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, जहां 150 लीटर प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ का पानी लगता था यहाँ पे सिर्फ 10 लीटर 15 लीटर में हमने पूरे खेत को कवर करना है। तो ये जो है फॉर्मुलेशंस उस तरह से कन्वर्ट किए गए हैं कि कम पानी में उनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो। और जो चैलेंज था वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फाइटोटॉक्सिक हो जाए, मतलब कि कहीं पत्ती कोई जला दे या पौधे कोई मार दे, तो इन सब चीजों पे हमने उपयोग कर लिए हैं और पूरा अनुसंधान हमारा कंप्लीट है। अब हम इसकी SOPs जारी करेंगे जिसके द्वारा जो है किसी भी किसान को अगर आलू के खेत में ड्रोन द्वारा केमिकल्स का उपयोग करना है तो उसको पता होगा कि कितना केमिकल लेना है, कितना पानी मिलाना है और किस स्पीड से ड्रोन को उड़ा के अपने पूरे खेत को कवर करना है। डॉक्टर साहब जो आज समय के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैन पावर की बचत करेगी, ह्यूमन हेल्थ का ध्यान रखेगी, कम केमिकल डालेंगे तो एनवायरमेंट की सेफ्टी रहेगी, तो इन सब दिशाओं पे जो है सोचते हुए ये कार्य किया जा रहा है जी। डॉक्टर साहब आज जो वर्कशॉप हुई इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, कितने किसान उसमें आए? जी इसमें हमने जो अगर शुरुआत करें तो जो केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे इफको जैसी कंपनी है और UPL ने पार्टिसिपेट किया, एक दो लोकल जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के डीलर्स आए जिनके केमिकल्स इसमें उपयोग हो सकते हैं। जो नैनो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इफको का पार्टिसिपेशन था, ड्रोन की 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, तीनों ने अपने ड्रोन का जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया खेत में उड़ाकर। और इसके अलावा FPOs को हमने बुलाया, स्टेट गवर्नमेंट के जो है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, हमारे मेरठ में एक
सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी साहब भी थे, उनके वैज्ञानिक भी थे, और इसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे अग्रणी किसान, ऐसे किसान जो हमारे साथ पहले से ही एमओयूज करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट्स को भी बुलाया था, और एक और जो भारत सरकार की परियोजना लॉन्च हो रही है जिसको द्रोण दीदी का नाम दिया गया है, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सब्सिडाइज ड्रोन मिलेगा जिससे कि वो एंटरप्रेन्योरियल वे में जो है आगे बढ़ सके और किराए पे जो है ड्रोन को अलग लोगों को जो है उपलब्ध करा सके। तो हमने कुछ यंग बच्चे भी, लड़कियां बुलाई थी, ड्रोन की ट्रेनिंग ले रही हैं जी। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन था। ये ड्रोन जो है वो किसानों को दिए जाएंगे? नहीं, हम नहीं देंगे, हमें तो मिनिस्ट्री ने दिया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और जो है किसान या आप कहें कि एफपीओस को सब्सिडाइज ड्रोन मिलने की एक स्कीम है। इसके अलावा ड्रोन दीदी के नाम से जो है एक स्कीम आ रही है जो महिला किसानों को जो है ड्रोन सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराएगी। हमारा पर्पस ये है कि लोगों को जागरूक करें कि आलू में इसका उपयोग हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं, और वो जो है इसकी ट्रेनिंग लेके आगे जो है अपना उपयोग करें जी। डॉक्टर ब्रजेश सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी इस विषय के संबंध में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर ब्रजेश सिंह, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय आलू संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। और दोबारा से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राज सिंह जी का, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान विभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे थे खरपतवार नियंत्रण के बारे में जी, और जो आपने तरीके बताए कि ये दवाई छिड़क दें उगने से पहले इस तरह, तो जो इसमें खरपतवारों के नियंत्रण में हम रसायनों का प्रयोग करते हैं जी, क्या ये जरूरी है रसायनों से ही हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं है कि किसान केवल रसायनों पर ही निर्भर रहे, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अच्छा होगा कि किसान भाई एकीकृत खरपतवार नियंत्रण विधि जो है इसको अपनाएं, यानी कई तरीकों को एक साथ, कई तरीकों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बना के एक साथ प्रयोग करें। इसका ये फायदा होगा कि एक तो उस किसान की लागत कम लगेगी, दूसरे उसकी प्रभावशीलता ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, तीसरे जो उनका दुष्प्रभाव होता है, जो हम लगातार खरपतवार नाशियों को प्रयोग करते हैं, तो उसमें काफी खरपतवार ऐसे होते हैं जिनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जैसे आदमियों में लगातार एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो वो एंटीबायोटिक्स कम असर करने लगती है, फिर बदलनी पड़ती है। इसी प्रकार खरपतवारों में भी अगर एक ही खरपतवार नाशी लगातार प्रयोग करते रहें, तो कुछ खरपतवार जो है उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं और उनको नियंत्रण करना मुश्किल होता है। इसलिए आवश्यक है कि किसान भाइयों को पहले तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है सावधानियां बरतें, उसके साथ साथ जो अपने जो यांत्रिक विधियां हैं उनके द्वारा, जो अपने इम्प्लीमेंट्स हैं या टूल्स हैं उनके द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण करें, खरपतवार नाशियों की कम मात्रा में प्रयोग करके उनसे नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छा एक मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों के जो फसल का एक्स्ट्रा यानी कि जो रेजिडू उत्पन्न होता है उसका लगभग एक तिहाई भाग कम से कम अगर खेत में मल्च के रूप, बिछावन के रूप में प्रयोग करें तो उससे कई फायदे होंगे। एक तो खरपतवार कम उगेंगे, खरपतवार जो उगेंगे वो उससे दब जाएंगे, नमी भी बचेगी जी, दूसरे नमी बचेगी, तीसरे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, और चौथे ये जो किसान भाई भूसा जलाते हैं वो जलाने वाली समस्या जो कम होगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं राज सिंह जी, और हमारे जो किसान है वो इनका लाभ उठाते हैं, और किसान जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं उनका अनुभव दूसरों को मिले, इसके लिए एक सेगमेंट हमारा है जी। हाँ, वो सेगमेंट है मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से जो है हम उनके अनुभव जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे बाकी के जो जितने भी श्रोता मित्र हैं वो भी उससे प्रेरणा लेकर के उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं आज के अनुभव। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। बचपन से ही हमारे यहाँ तो ये खानदानी काम है खैर, लेकिन हम लोग जो है इस काम को पहले भदोई में कराया करते थे, उसके बाद देहरादून में कराना शुरू किया, उसके बाद हमें बहुत सारे अधिकारी भी मिले जिन्होंने हमारा काम जो है
देहरादून जेल, हरिद्वार जेल, जेलों में स्टार्ट करवाया ताकि बंदियों को इससे काफी सहूलियत मिले और उन्हें सही राह पे चलने के लिए बहुत सारी चीजें उनको मदद मिल जाती है इससे। तो बस इसीलिए हम लोग उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम टोटली हैंडवर्क होता है ये, और कॉटन और वूल, तीसरा कोई ऑप्शन उसमें है ही नहीं, हम कुछ और यूज ही नहीं करते उसमें, सब कुछ हैंडमेड होता है। और आज भी हम लोग इसको बनवा रहे हैं दोनों जेलों में। कपड़ों के भी कुछ प्रोडक्ट अभी हमने ऐड किए हैं तकरीबन 4-6 महीने से। नहीं तो हमने सीखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे घर का ये पुश्तैनी काम है और हमने सिर्फ देख के ही सीख लिया है सब कुछ। हमें खादी से मिला है जो हमने फाइनेंस कराया था उसमें 2009 में, उसमें हमने कराया 1,65,000 का था और उसका जो हमने 4 साल में उसको फाइनल करवा दिया था, उन्होंने 5 साल का टाइम दिया था, उससे काफी बेनिफिट हुआ। फिर हमने उसमें खड्डियां बढ़ाई और सरकार का तो पहले भी और आज भी बहुत शुक्र है कि हमेशा हमें हर चीज का जैसे प्लेटफॉर्म देती है कि जैसे यहाँ थे हम, उसके अलावा भी हमने ट्रेड फेयर लगाया था प्रगति मैदान में, ट्रेड फेयर में हमारी दुकान थी, उसके अलावा भी हम और भी जगह लगाते रहते हैं। तो सरकार की इन सब चीजों की जो ये योजनाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं और मेरे हिसाब से ये चलती रहनी चाहिए ताकि ये किसी एक के लिए नहीं है। जैसे हम यहाँ अकेले बैठे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ 1,000 लोग बैठे हैं, क्योंकि वो 1,000 लोग जुड़े हुए हैं। कोई इसके ऊन को खोलता है, कोई कॉटन को ट्विस्ट करता है, उसके बाद कोई बुनाई करता है, उसकी फिनिशिंग करता है, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये होता है कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट अगर आपके पास रखा है तो वो एक नहीं है, उसके पीछे 100 लोग और हैं। तो ये भी सरकार जानती है, उसको बखूबी पता है, इसलिए वो काम ये करती है। अभी आप सुन रहे थे मेरी कहानी मेरी जुबानी, सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से यह अनुभव हम आप सभी को सुनवाते हैं। और अब कार्यक्रम में चलते चलते डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं एक और अहम सवाल की। डॉक्टर साहब, ये जो रबी की फसलों में खरपतवार प्रबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम आपसे बहुत जल्दी बहुत छोटे में जानना चाहेंगे कि हमारे किसानों को इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए किसान भाई, जब खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सभी रसायन होते हैं जी, तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि प्रभावी नियंत्रण के लिए सही खरपतवार नाशी सही समय पर सही मात्रा में और सही विधि द्वारा प्रयोग करें तो किसान भाइयों को अधिक लाभ होगा और उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। डॉक्टर राज सिंह जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप kkbongold@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।